ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल डॉक्टर ओम चे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। आप जो प्यार और सपोर्ट आपके अपने चैनल को प्रदान कर रहे हैं, आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप बहुत दिनों से, बहुत महीनों से, बहुत सालों से, कई दिनों से परेशान चल रहे हैं, तकलीफें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, कोई ना कोई परेशानी आती जा रही है, लोग हमें धोखा देते हैं और इसके साथ साथ कई सारी परेशानियां ऐसी हो जाती जिनके बारे में हेल्थ इशू क्रिएट हो जाते हैं और कई बार ऐसा होता है कि हम परेशानियों को समझ ही नहीं पाते हैं, अपने ही लोग हमारे साथ छल कपट और धोखा दे देते हैं और बहुत सारी परेशानियों में हम बहुत दिनों से घिरे हुए, हम इनसे निकलना चाहते हैं पर फिर भी हम इनसे निकल नहीं पा रहे हैं। तो अगर आप इन परेशानियों से निकलना चाहते हैं तो इस पूरे वीडियो को देखें, फिर इन बातों को अपने जीवन में अपनाएं, शायद आप अपनी परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि बहुत से लोगों ने इन चीज़ों को फॉलो किया, उन्हें फ़ायदा मिला, आपको भी ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, मुझे अपने भोले पर पूरा यकीन है। उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है मेरा दोस्तों आप सभी से कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़े, कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखे, हर हर महादेव, जय शिव शंभो, और अपनी कुंडली का एनालिसिस अगर आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात है कि जब हम परेशान होते हैं या हमारे दिन बुरे चलते रहते हैं तब हमारे साथ हमारे जो मेंटल है, दिमाग है, वो हर एक चीज़ में नेगेटिव चीज़ें ज़रूर खोज लेता है। क्योंकि चीज़ें सब नेगेटिव चलती रहती है तो हमें चीज़ें नेगेटिव ही दिखाई देती है। तो सबसे पहली बात है कि अपने माइंड सेटअप को, खुद को बड़ा पॉजिटिव करें। जब आप खुद को बड़ा पॉजिटिव कर लेंगे तो चीज़ें जो हैं, एक तो हिम्मत भी जो है हमारी बढ़ जाएगी, हिम्मत बढ़ने के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जिनको हम करना चाहते हैं या हम अच्छे से कर सकते हैं उन्हें आप कर पाएंगे। दूसरा बात है इसमें जो लोगों की बातों में ना आए, जैसे लोग होता क्या है कि लोग आपको उस, जब हमारे पल नाजुक होते हैं तब लोगों के स्वभाव, आचरण, व्यवहार जो हमारे प्रति वो बदल जाते हैं, ये लोगों की टेंडेंसी है। तो उनके स्वभाव, उनके आचरण, उनके प्रभाव से आप डिस्टर्ब मत हो, क्योंकि उनसे अगर आप डिस्टर्ब होंगे तो आप अपने हालातों को अच्छा करने के जो प्रयास कर रहे हैं वो सभी प्रयास जो हैं आपके यूँ ही विफल हो जाएंगे, तो ये आपको कभी नहीं करना है। तीसरी बात है कि इस दरमियान आपको ओवरथिंकिंग से बचना है। अब बहुत ज़्यादा सोचते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, तनाव में चले जाते हैं, कोई भी बुरे परे हालात हो, हमें डिप्रेशन, तनाव या बुरे हालात में जाने का कोई मकसद नहीं रखो और कोई जाने से कोई किसी को फ़ायदा होने वाला नहीं है, ना आपको होगा ना किसी व्यक्ति को होगा। इसलिए कभी भी इन हालातों में, डिप्रेशन और तनाव में तो हमें जाना ही नहीं। पाँचवीं बात जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप अपने गुरु मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करें। अगर अपने गुरु मंत्र का आप ज़्यादा जाप करेंगे, अगर कोई गुरु मंत्र नहीं है तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जब आप ओम नमः शिवाय मंत्र का सतत जाप करते रहेंगे, मैं आपसे वादा कर रहा हूँ दोस्तों, आप बहुत ही जल्दी इन हालातों से बाहर आ जाएंगे। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि आपको कितने चमत्कारिक परिणाम दिखाई देंगे। अच्छा लगो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। ओम नमः शिवाय।